हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो एनटीएससी 2021 का जो स्टेज टू का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और एक एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो जो इनको फॉलो कर रहे हैं वो बढ़िया से करते जाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये बोर्ड में दिख रहा है 3 पे पावर। वैसे आप सीरियल वाइज मैं क्वेश्चंस को नहीं करूंगा, जो मुझे सही लगेगा वो पहले क्वेश्चन को करूंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है तो पहले इसको हम लोग टच करते हैं। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आपका दिया हुआ है, इसमें ऑप्शंस गिवन है, ये आपको टिक करना है। तो इसको सॉल्व करना है सिंपल सा, 3 पे पावर 1/2 -1। यहाँ पे आप देखिए इन दोनों को, यहाँ पे अगर एक साथ देखेंगे तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए 3 पे पावर 1/2 -1 और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे 3 पे पावर 1/2 +1। इसको अगर अच्छे से मैं लिखूं, 3 पे पावर 1/2 +1 प्लस क्या होगा, 3 पे पावर 1/4। एक हमारा टर्म ये हो गया, दूसरा एक हमारा ये वाला हो गया फैक्टर, दूसरा फैक्टर यहाँ पे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 पे पावर 1/2 +1 -3 पे पावर 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसको आप अभी नहीं देखिए, अब बस इन दोनों फैक्टर्स को देखिए। यहाँ पे क्या है, ये a है और ये b है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 3 पे पावर 1/2 +1 होल स्क्वायर माइनस 3 पे पावर 1/4 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 पे पावर 1/2 -1 और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, भी आपको पता ही होगा। इसको आप कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 3 पे पावर 1/2 × 1 + b² - 2 × 4, ये हो जाएगा 3 पे पावर 1/2। बस सॉल्व कर रहे हैं, 3 पे पावर 1/2 -1 और यहाँ हो जाएगा 2 कैंसिल, 3 आएगा प्लस, यहाँ रूट 3 है, 2√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 -√3। तो बेसिकली ये भी तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 और ये हो जाएगा 3 और 1 = 4, 2√3 - √3 + √3। बस इसको फर्दर क्या करना है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। √3 × 4 क्या होगा, 4√3 - 4 × 1 = 4 + √3 × √3 = 3 - 1 √3 क्या होगा, -√3। 4√3 - √3 क्या हो जाएगा, 3√3 + 3 - 4 कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन 3 मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख ले रहा हूँ ऑप्शन 3 मैच कर रहा है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व कर दिया, फिर आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।